नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल माता राम सेवा में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर विषय है। आप लोग के बीच में शरीर में शिथिलता क्यों पड़ जाता है? लिंग में बिल्कुल तनाव नहीं रहता है। पहले तो उसके साथ कैसे आपको तनाव युक्त करना है, तनाव में करना है, मजे में रहना है। तो चलिए मजे की बात करते हुए आपके साथ हर पल आप इस औषधि को जानते हैं और आपके घर इस औषधि को आप लंबे समय से जानते हैं, लेकिन इस औषधि के बारे में जानकारी नहीं है और आपके शरीर में इसका क्रिया नहीं ढंग से कर पाता। ये क्रिया ढंग से नहीं करने के कारण आपके अंदर का जो शक्ति है वो बिल्कुल सो जाता है। आपके अंदर शक्ति रहते हुए भी आप निराश नहीं रहे, आपका सही समय सही वक्त पर आपको मिलेगा। पर इस औषधि की जानकारी होनी चाहिए ये क्या है और जानिए कि ये औषधि आपके लिए बहुत ही औषधि हर घर में मिल जाएगा, हर घर में मिलता है, हर घर में है, मौजूद है। इसकी जानकारी नहीं है, खाने का तरीका पता नहीं है, इसके कारण आप अच्छी ढंग से इसको प्रयोग नहीं करते हैं। इससे ही आपको बहुत फायदा मिलेगा, लेकिन इसकी जानकारी अधिक मात्रा में आपको नहीं है तो आप नहीं कर पाते हैं। तो लोग लकड़ी कहते हैं, बस ये औषधि है, बहुत ही कारगर है सेक्स के लिए। जिनको शरीर शिथिलता रहता है, जिसके शरीर के अंदर ऊर्जा शक्ति कम जाता है और उनको ऊर्जा चाहिए, तो उसके लिए बहुत ही फायदेमंद औषधि को आप चूर्ण बना लेंगे। एक चूर्ण बना लेंगे पात्र में, लेकिन खल में इसका छोटा छोटा पाउडर बना लेंगे, डस्ट बना लेंगे। और इस डस्ट को क्या करना है आपको, इस औषधि को रात में आप इसको सेवन करना है। किस चीज से औषधि को सेवन करना है इसकी जानकारी भी आपको होनी चाहिए। और बहुत से ऐसे मरीज है जो वो केवल खाली पेट रह करके या चौमिन सिंघाड़ा पानी पूरी सेवन कर लेंगे या एंजॉय ले लेंगे, जीवन का मजा ले लेंगे, तो ये उनकी भूल है, ये उनकी भूल है। ऐसा आपसे कदापि नहीं होगा, कभी भी आपको सेक्स में ताकत नहीं मिलेगा बिल्कुल। कुछ ऐसे चीज सेवन करें, ऐसे औषधियां सेवन करें जो हमेशा आपके सेवन में सेक्स के प्रति आपका रुझान बहुत ज्यादा मात्रा। आजकल बहुत सारे बच्चे सेक्स करने से पहले ही दुरुपयोग कर देते हैं और 18-20 साल का उम्र का जो जवानी का जो ब्रिज है ना, वो हस्त महसून से स्वप्न दोष के द्वारा या आपको धात गिरना या मल कड़ा होने के कारण वो बाहर, इन सारी चीजों से आप बच लें, क्योंकि आपकी जो आने वाला जीवन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले उसको बचा लेवे और उसके बाद ही आप आयुर्वेद औषधियों को सेवन करें और इसके लाभ लेते रहें। आपको शरीर के अंदर ऊर्जा बचा के रखना है, दुरुपयोग मत करिए, गलतियां मत करिए। आपकी गलती के कारण बहुत सारी परेशानियां आपके अंदर झेलना पड़ेगा। ये हर घर में यह औषधि मौजूद है और इसको कैसे सेवन करेंगे आपको बताया है कि सबसे पहले इसको पाउडर कर लेना है। अब पाउडर आप दूध के साथ एक गिलास सुबह एक गिलास शाम। नाम क्या है इसके बारे में बता देते हैं, इस औषधि का नाम है दालचीनी। दालचीनी का हर घर में प्रयोग है इसका औषधि को और हर घर में इसको सेवा लेते हैं। ये दालचीनी को सब्जी में डालते हैं लेकिन इसका फायदा नहीं मिल पाता उनको, क्योंकि वो मसाला में पूर्ण रूप से इसको भूंज देते हैं, ये पूरी आग में जला देते हैं, इसके कारण इसका फायदा आपको नहीं फायदा इनके इसके कारण नहीं मिलता, क्योंकि तेल में इसको प्रयोग हो जाता है, आग पे चढ़ने के बाद पूर्ण रूप से इसको जला दिया जाता है। जलने के कारण इसमें जो मौजूद जो विटामिन है, मल्टी विटामिन जो मिलता है, वो बिल्कुल ही समाप्त हो जाता है, आज उसको ताकत नहीं मिलता, केवल उनको स्वाद मिलता है। दोस्तों इसको स्वाद के चक्कर में नहीं रहे, इसके फायदा लें। इसकी जितनी फायदे हैं, सारे औषधियों का राजा माना जाता है, क्योंकि ये सब्जी में है, आयुर्वेद में है, सारे चीज में इसको प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे भी आप इसको मुंह में रख सकते हैं, ये दालचीनी है, बहुत ही आपके लाभदायक है, आपके शरीर के लिए बहुत ही कारगर चीज है। रात भर में सेक्स करते हैं तो आप इसको एक चम्मच लेकर के आप सेक्स करें, जिससे कि आपका इम्यूनिटी पावर जो है, आपका जो सेक्स का जो मजा है वो घटे नहीं, बढ़ता रहे, मजे वाली बात होते रहे। तो आप पहले दुरुपयोग नहीं करें। बहुत सारे ऐसे हैं जो कि दुरुपयोग करते हैं अपने ब्रीज को, हस्त महस्त उनसे गला से, ऐसा बिल्कुल सेवन आप नहीं करें, जिससे कि आपकी परेशानियां बढ़ता रहे। दोस्तों अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, आने वाला प्रत्येक वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, इसका लाभ भी मिले। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि इसका आप लाभ लेते रहें। इस औषधि का और सारे औषधियां ऐसी जिनका आप लाभ लेते रहें, ये दालचीनी का आप देख रहे हैं। तो नमस्कार।